शांति। आज 21 नवंबर 2020 के मधुर महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा, तुम बच्चों की अवस्था में कभी मुरझाइश या रोने का भाव नहीं आ सकता है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को इतना सुंदर ड्रामा का ज्ञान दिया है। और बाबा ने कहा कि ये सब ड्रामा है, खेल है, तो खेल में दृश्य को देखते हुए रोना नहीं होता है। इसलिए बाबा कहे, तुम बच्चे इस ज्ञान को हमेशा स्मृति में रखो और उसके आधार पर अपना पाठ अच्छे से अच्छा बुझाते चलो। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिनके कारण जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? उत्तर है, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बक्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। बक्तावर यानी भाग्यवान बच्चे कभी रोते नहीं। तो जब तक अपने भाग्य की स्मृति है, खुशी में रहेंगे, लेकिन अगर भाग्य की विस्मृति हो गई तो जरूर रोना आएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्र में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं, तुम भी किसको समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे, शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ये कहना है, शिव बाबा ऐसा कहते हैं, या बाप भी कहेंगे, बाबा तुमको समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, बाबा तुमको समझाते हैं। यहां मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, या आत्मा आत्मा को समझाती है। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है और वह है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधा धोरी आदि भल चलाते रहो, बाकी जितना समय मिले अपने को आत्म समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है, वह सत्य है, चैतन्य है, सत चित आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की ये महिमा नहीं है। ऊंच ते ऊंच भगवान एक ही है, वह है सुप्रीम सोल। यह ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं। सत्युग से जब विस्मृति हो जाएगी तो बाबा कहे, फिर कभी मिलना नहीं है कल्प के अंत तक। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं, तुमको आत्म अभिमानी बनाए बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। और कोई उपाय नहीं। भल मनुष्य पुकारते भी है,
हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहे तो भी ठीक है। तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो, वह है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा, मुक्ति व जीवन मुक्ति, यह है फल। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट वाले भी होते हैं तो नीचे पार्ट वाले भी होते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ न सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, इस समय सर्वोत्तम नहीं हो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग संगम युग, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? बाप बिगर कोई बना न सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप न सतयुग में आते हैं न कलयुग में आते हैं। बाप कहते हैं मेरा पाठ ही संगम पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह है ऑस्पिशियस, बहुत उच्च शुभ समय संगम युग। जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते हैं। सतयुग में वही दैवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं यह धर्म स्थापन करता हूं। इसके लिए बाबा ये धर्म स्थापन करते, उसके लिए बाबा कहे पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है ब्राइड्स भक्तियां। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते वह रॉन्ग हो जाता है ना। तो बाबा ऐसे मिस्टेक को भी करेक्ट करते हैं कि पतित पावन सीताराम कहना तो ठीक है, लेकिन जो पिछाड़ी में रघुपति राघव राजा राम कहते हैं वह रॉन्ग हो जाता है। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, इनको डिनास्टी नहीं कहेंगे। यह परिवार है, ये ब्राह्मणों का परिवार है। यहाँ न तो पांडवों की न कौरवों की राजाई है। यहाँ न तुम पांडवों की न कौरवों की राजाई है। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको यह बातें जल्दी समझ में आएगी। यह भी है गीता। कौन सुनाते? भगवान। तुम बच्चों को पहले पहले तो यह समझाने देनी है कि गीता का भगवान कौन। वह कहते हैं कृष्ण भगवान वाच। अब कृष्ण तो होगा सतयुग में, उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है। शरीर का ही नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है, उसके बाद फिर वो नाम और स्वरूप दोबारा नहीं होता। नंबर वन में वही जाता है, लक्ष्मी नारायण नंबर वन, फिर है सेकंड थर्ड। तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे। ये माला बनती है ना, बाप ने समझाया है रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबर वार। मालिक तो बनते हैं लेकिन नंबर वार। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो।
पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो, उनको रुद्र माला कहा जाता है, जो जपते हैं। माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से, यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं, वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है, वह अपना शरीर निर्वाह करती है। उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं, आगे आती थी। अब वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है, यह ड्रामा में पहले से ही नूंद है। यह सब है भक्ति मार्ग। वह आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा ने किसी का मिसाल दिया था, शांता बहन का मिसाल। तो बाबा ने कहा, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बच्ची ने जाकर उन्होंने समझाया कि तुम रोते क्यों हो, उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया, रोने से लौट थोड़ी आएगी। बक्तावर थोड़ी रोते हैं, अर्थात भाग्यवान थोड़ी रोते हैं। तो वहां सबका रोना बंद कर आए समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती है, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ, हम सच्चे ब्राह्मण को ले आते हैं। फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं, समझते हैं यह बात को ठीक बोलते हैं। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते। ये बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती है। तुम समझते हो रोने की तो दरकार नहीं। और आज भी कई स्थानों पर बहनों को विशेष मृत्यु प्रवचन के लिए इसीलिए बुलाते हैं, ताकि वहां का पूरा माहौल बदली हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि देखो ये भी कैसी संगम युग की रसम रिवाज है। तो ज्ञान सुनने लग जाते हैं, भागवत आदि सुनते तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते। ये बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती है। तुम समझते हो रोने की तो दरकार नहीं। यह तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है। कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप, टीचर, गुरु मिला है, जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परमपिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप देते ही है सुख का वर्षा। तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी। कहो हम तो विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा कहे फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे, हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण खड़ आदि दे दी है।
सूल बाण खड़क आदि दे दी है। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़ी है, यह सब है भक्ति मार्ग। साधु संत आदि है निवृत्ति मार्ग वाले, वह प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का, अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहां भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में, राजा के पास व रिलीजियस घर में वह संस्कार ले जाएंगे, सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे यह तो देवी है, कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं, छोटे पन में दिखाते हैं माखन चुराया, मटकी फोड़ी, यह किया, कितने कलंक लगाए हैं। अच्छा, फिर कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया? वहां तो कृष्ण गोरा होगा ना, फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया है कभी कोई बता नहीं सकेंगे। वहां सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे, यहां जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है, वहां तो ऐसी बात हो न सके। तुम अब दैवी संप्रदाय बनने वाले हो, इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसको भी पता नहीं है। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं, प्रजा पिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं, यह किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही मुख वंशावली, स्त्री की बात ही नहीं। इसमें बाप प्रवेश कर कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है, जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए हैं, तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो। इसको कहा ही जाता है हार और जीत का खेल, बाप कितना सस्ता सौदा कराते फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। पांच विकारों रूपी माया हराती है, जिनमें पांच विकार है उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिरों में देवियों के आगे जाकर महिमा गाते हैं, क्या गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं, यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ा हुआ है, वह तो है ही ज्ञान का सागर। बाबा कोई शास्त्र पढ़ करके बातें नहीं सुनाते, उसको क्या जरूरत है, वो है ही ज्ञान का सागर। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। बाप कहते सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, मैं इन सब बातों को जानता। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो, सत्युग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, वह है पूज्य घराना, फिर होता है पुजारी घराना, इस समय सब पुजारी है, यह बातें कोई को मालूम नहीं है। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते, पूज्य पुजारी यह तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है, पूज्य पुजारी ये सारा खेल बाबा कहे तुम्हारे ऊपर ही रहता है। हिंदू धर्म कह देते हैं,
वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती है, ये पढ़ाई है भी सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, फिर भी तो भी पूरा हो न सके। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूंगा। तुम इनका किताब कितना बनाएंगे? शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता ही आता है। कितने कागज खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही, इतनी छोटी है, गीता का लॉकेट भी बनाते हैं, गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञान दाता को भूल गए। गीता का इतना प्रभाव होने के बाद भी गीता ज्ञान दाता को ही भूल गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली बात, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। आज का बाबा का मधुर वरदान है, ताज और तख्त को, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। निरंतर स्वतः योगी भव, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाए। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखूट है। जहां प्राप्ति होती है वहां स्वतः याद होती है। आज का स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.